सो गाइज व्हाट्स अप एवरीबॉडी, आफ्टर मिस्टर एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो ये जैसे कि हम पिछली वीडियोस में हम आपको सुपर बाइक्स दिखा रहे थे, लो बजट रेंज बाइक्स जो आप मांग रहे थे कमेंट बॉक्स में कि थोड़ा लो बजट में दिखाओ, स्कूटीज दिखाओ, बाइक्स दिखाओ, तो आप मेरे आसपास देख सकते हो। अगर मैं कैमरा उस साइड घुमाऊँ और इस साइड घुमाऊँ तो आपको स्कूटीज दिख रही होगी, बाइक्स दिख रही होंगी लो बजट में। तो आज हमारे साथ हर्ष भाई। तो हेलो भाई, क्या हाल है? बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो गाइज आज हम आए हैं शेखर बाइक पॉइंट पे, भैया के पास, ये सारी बाइक्स कवर करने के लिए। इन बाइक्स की प्राइसिंग, कितने किलोमीटर चली है, क्या क्या हिसाब है इन सब बाइक्स का, वो सब आपको दिखाएंगे। तो भैया एक बार बता देते कि आपकी दुकान कहाँ पर है, मतलब सबसे क्लियर लैंडमार्क। भाई ये इंदरलोक मेट्रो है। ओके, इंदरलोक मेट्रो थोड़ा सा आओगे आगे आते ही आनंद नगर का बोर्ड आएगा, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, उसके एंट्री करते ही कैनरा बैंक है। वैसे मैंने लोकेशन डाल दी डिस्क्रिप्शन में, बाकी आप इंदरलोक रेलवे इंदरलोक मेट्रो स्टेशन पे उतरो, फिर आप एक किसी को भी स्कूटर मार्केट बोलोगे तो आपको फेमस है, आपको। तो गाइस एक बार आप बोर्ड देख सकते हो पीछे। तो गाइस बिना कोई टाइम वेस्ट करें पहले आपको सिनेमैटिक्स दिखाता हूँ हर चीज का, फिर आपको प्राइसिंग जानते हैं हर्ष भाई के साथ। तो लेट्स गो। आपको सिनेमैटिक शॉट्स पसंद आए होंगे जो मैंने आपको सारी स्कूटीज और बाइक्स के दिखाए हैं। तो हर्ष भाई हमें स्टार्ट करेंगे, मतलब LML से स्टार्ट करते हैं गाइस। ये सब आपको चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती है यहाँ पे है। तो भाई इसका प्राइस और क्या कितने भाई? ये 2014 मॉडल है। 2014 मॉडल है, ये 8000 चला हुआ, जेन्युइन 8000 जो भी चला है, जेन्युइन चला है, स्टेपनी अनयूज्ड, स्टेपनी अनयूज्ड, कोई टचिंग नहीं, कोई रीपेंट नहीं, पूरा ओरिजिनल। प्राइस क्या होगा? प्राइस इसका 15,000 है। और प्राइस नेगोशिएबल है, सारे ऑन टेबल, और ये फोर स्ट्रोक है, फोर स्ट्रोक है ये। अच्छा ओके, फर्स्ट ओनर है ये। जुपिटर है 2015 मॉडल। हाँ जी, दोनों टायर में ब्रांड न्यू डलवाए अभी। गाइस ये देख सकते हो टायर के अभी तक ग्रूव्स तक नहीं उतरे हैं, एकदम ब्रांड न्यू टायर है। फिर भी ये कितनी चली हुई होगी? सर ये चली हुई 70,000 16,000 चली हुई है ये, न्यू डलवाया। हाँ टायर न्यू डलवाया अभी। इसका क्या प्राइस होगा? इसके ये प्राइस 26,000 रुपये। अच्छा आपने 26,000 रुपये इसका प्राइस रखा होगा। इस प्राइस 2015 मॉडल है ये, फर्स्ट ओनर, और उसके साथ में चले। और इस कंडीशन देख सकते हो आप, अगर थोड़ा पास से अगर आप कंडीशन, हाँ हाँ आप दिखाओ, आराम से दिखाओ। ये एक्टिवा 3G है, एक्टिवा 3G 2015 मॉडल है, 2015 फर्स्ट ओनर है, फर्स्ट ओनर। इसकी जो डिमांड है 27,000। और कितने हज़ार किलोमीटर चली हुई होगी ये? सर चला हुआ है 16,000 चली हुई है। और इसकी क्या ये जुपिटर है, कंडीशन आप दिखाओ। ये भी फर्स्ट ओनर, इसमें भी टायर नए डलवार के कस्टमर में, टायर बिल्कुल नए है, ट्यूबलेस टायर है। ये चली हुई है 20,000 चली हुई है, जो भी चली है जेन्युइन चली है, कोई मीटर बैकिंग नहीं है, हर चीज जेन्युइन चली है। जो इसकी डिमांड है 21,000 रुपए, 21,000। अब आगे चलते हैं। ये महिंद्रा गस्टो है, 2014 मॉडल है, 2014 मॉडल, ये दिसंबर की है। अच्छा दिसंबर की रजिस्ट्रेशन, मतलब कि मिड मान लो 15 ही हो जाए, 15 की है मतलब। और कितने हज़ार चली हुई होगी ये? सर चली हुई 18,500 चली हुई। और क्या प्राइसिंग मांग रहे हो इसकी? सर प्राइसिंग मांग रहे हैं 20,000 रुपये, 20,000 रुपीज़ की तरफ। ठीक है, ये ब्लू कलर में, आप नेवी ब्लू कलर में वेस्पा देख रहे हो, कितनी प्यारी लग रही है।
2013 मॉडल है, सेकंड ओनर है, सेकंड ओनर है, इंश्योरेंस पोल्यूशन सारे पेपर इसके कंप्लीट है, सब पेपर कंप्लीट, हाँ जी सारे सब कुछ सबके पेपर कंप्लीट है, किसी में इंश्योरेंस नहीं हो रहा, मैं इसकी ये नहीं कहता इंश्योरेंस हो रहा, किसी में है मतलब आरसी और पेपर, हाँ आरसी आप लोग आरसी वाला वो आप लोग सब कुछ मिलेगा, किसी को ट्रांसफर करानी हो ट्रांसफर करा के देंगे, हाँ जी, और एनओसी वेनओसी सब सर वो दिल्ली से बाहर चाहिए एनओसी दिलवा रही, 10 दिन लगते जी एनओसी के अंदर, और वैसे अगर आप डिलीवरी भी करवाते हो कहीं, हाँ डिलीवरी उसके एडिशनल चार्जेस अलग है, लोग कमेंट बॉक्स में पूछ नहीं एडिशनल चार्जेस है, स्टूडेंट जहाँ आपको डिलीवरी चाहिए वहाँ आपको हो जाएगी, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, फाइनेंस की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, आपके प्रोफाइल पर डिपेंड करता है जिसको फाइनेंस करानी है, फाइनेंस आप दिल्ली कस्टमर के लिए, हाँ दिल्ली 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 ओनली दिल्ली, जो फाइनेंस फैसिलिटी है वो दिल्ली कस्टमर के लिए है, और आपको जैसे मर्जी पेमेंट देंगे कार्ड से पेमेंट देंगे कार्ड से पेमेंट ले लेंगे, फुल कैश कार्ड जैसे मर्जी फाइनेंस सब कुछ सारी फैसिलिटी है, ये भाई 13 मॉडल है सेकंड ओनर है ये, इसकी सर जो डिमांड है 27,000 डिमांड है, 27,000 2013 मॉडल, उसके आगे चलते हैं एक और एक्टिवा, जी एक्टिवा 2014 मॉडल है ये, 2014 मॉडल, और इसकी क्या डिमांड होगी, 22,000, और ये कितनी चली हुई है, ये चली हुई है भैया अपनी 19,500, और ये चली हुई है 12,000, और अगर आगे ये 2009 मॉडल है, 2009 मॉडल एक्टिवा, हाँ जी, ये एक्टिवा एक्टिवा न्यू है, ये ओल्ड शेप आती थी नोट के अंदर पर न्यू शेप वाला, हाँ ये न्यू वाली शेप है जो 14 में भी थी, वो 15 में शेप चेंज हो रही थी, 3G आ गई, इसके 15,000 रुपीज़ मतलब 15,000 में आपको स्कूटी मिल जाएगी भाई, आज के टाइम में 7-8 हज़ार की साइकिल आती है, 15,000 में स्कूटी मिल रही है, 15,000 में आपको स्कूटी मिल जाएगी, और वो भी मतलब अभी आपको ऐसी दिख रही है, और ये भी है गारंटी दूंगा एक हफ्ते की, इंजन के अंदर कोई भी काम हो रहा फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक करके दूंगा, और जितनी भी यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी है ना ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, जिस मर्जी गाड़ी ना ऑनलाइन खोल के चलना ऑल सब में नया मिलेगा, और एयर फिल्टर भी ओपन चैलेंज कोई डीलर नहीं डालता, सब सब पाल बनाते हैं, और गाइस जब आप डिलीवरी देना होगे तो मतलब आप फुल बफिंग वफिंग कोटिंग वोटिंग पूरी करके हाँ, दोगे ना, जितनी कोशिश हमारी होती है उतनी कर देंगे, ओके ओके बस यही चाहिए, बाकी ये एक्टिवा 3 है, ये भी 15 मॉडल है, 2015 मॉडल, ये सर चला हुआ 19,700, इसकी प्राइस है 27,000, सेम प्राइस है, फर्स्ट ओनर है ये भी, ये भी 2015 मॉडल है, 2015 मॉडल, ये एक्टिवा 3G है, 3G ये सर चला हुआ है अपना 18,000, देख सकते हो एलईडी वेलईडी, हाँ इसमें एलईडी लगी हुई है, इसमें बम्पर भी लगा हुआ है, ओके ओके मतलब एसेसरी लगी हुई है, हाँ हाँ, और गाइस टायर कंडीशन भी देख सकते हो आप, बाकी इसकी क्या प्राइसिंग होगी सर, इसकी प्राइसिंग 26,000, और उसके साइड में कोई बाइक सर, ये स्टनर है 2010 मॉडल है, ये 2010 मॉडल स्टनर, न्यू शेप वाली है, विदाउट किक आती थी 10 में, अच्छा विदाउट किक आती, फर्स्ट ओनर है ये भी, इसकी डिमांड है सर 17,000 डिमांड है, और ये 18,000 जेन्युइन चली हुई, टायर भी जो इसकी है गाड़ी के साथ की है दोनों, अच्छा मतलब 18,000 है जेन्युइन चली हुई, उसकी जो प्राइसिंग है वो 17,000, हाँ जी हाँ जी, और यहाँ पे एक ये सर थंडरबर्ड है, ये न्यू इंजन वाली है, ये अच्छा न्यू इंजन, ये उल्टे पैर वाले नहीं बनाते, राइट हैंड साइड गिर आते थे, ओके ये 5-speed वाली है, अच्छा और इसकी क्या मतलब, ये सर ये 2006 मॉडल है, 2006 मॉडल है ये, हाँ 2006 है, इसकी जो डिमांड है सर सेकंड ओनर है ये, और कितनी चली हुई है सर, ये चली हुई है आपकी 23,000 चली हुई है, इसकी प्राइसिंग क्या, टायर दिखाओ आप पहले, टायर दोनों दिखाओ, ब्रांड न्यू है, फ्रंट भी दिखाओ, जो सर की डिमांड है बता दे, बता ही देते हैं आप बताओ डिमांड में क्या, मतलब 2006 मॉडल है, आपने कितनी एक्सपेक्ट करी होगी, 26,000 रुपये में गाइस आपको एक थंडरबर्ड मिल जाएगी, और बताओ क्या, जो अभी प्राइसेस नेगोशिएबल है, नेगोशिएबल अभी भी टेबल नेगोशिएबल है गाइस, अब बाकी पीछे 5 बाइक्स खड़ी है उनके पास चलते हैं, स्कूटीज दिखा दी हमने आपको जितनी भी अवेलेबल थी, होप करता हूँ आपको सबके प्राइसेस पसंद आए होंगे, अब आते हैं बाइक्स की तरफ, जो यहाँ पे 7-8 बाइक्स हैं, 5-6 बाइक्स हैं हमारे पास, उनके बारे में बात करते हैं, बाकी स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो भाई ये कौन सी बाइक होगी, ये भाई पैशन प्रो 17 मॉडल है, ये 2017 मॉडल है, ये चलिए 7,474 किलोमीटर चली हुई है, 7,400 बस, और टायर दिखाओ जी, टायर की आपके ब्रूम तक नहीं हटे, इसके ग्रूव्स नहीं होते मतलब टायर, और ये कंपनी सर्विस रिपोर्ट के साथ चली है, और भैया अगर किसी को सर्विस आपसे करवानी हो तो आप सर्विस, हाँ हाँ सर्विस भी सारे सब कुछ अवेलेबल है हमारे पास, अगर किसी ने बाइक खरीदी फिर उसमें क्वेश्चन है कि उसको सर्विस कहाँ से कराऊँ, हमारे से लियो, हाँ और उसके प्राइस सबके अलग अलग, हाँ हाँ यहाँ पे पता चल जाएंगे आके, और इसकी क्या प्राइसिंग थी सर, इसकी जो प्राइसिंग है 38,000 डिमांड है, 38,000 रुपये, और गाइस ये देख सकते हो इसके अंदर सबके टैग्स लगे हुए हैं शेखर बाइक पॉइंट के, अगर आपको कुछ भी चाहिए मतलब हर चीज़ में लगे हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि अगर 15 बताइए 16 हो गई, आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं, आप यहाँ शॉप पे आओगे हर बाइक पे आपको स्पेसिफिकेशंस मिलेगी, ये मैंने यूनिक देखा इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ,
क्योंकि बाइक्स की वीडियोस काफ़ी बनी है बट ये चीज़ कहीं नहीं देखी सर। ये बहुत अच्छी चीज़ थी आपकी दुकान पे। बाकी सर ये 14 मॉडल है, ये 2014 मॉडल और ये नवंबर की है, तो 2014 नवंबर की। हाँ 15 ही होगी, फर्स्ट ओनर है, डिस्क ब्रेक वाली है ये भी। इसमें भी टायर ब्रांड न्यू पैशन एक्स प्रो है ये चली हुई है 18,300 चली हुई है। और इसकी प्राइसिंग क्या होगी? इसकी जो प्राइस है 23,000 डिमांड है। 23,000 डिमांड है। और ये जो इसके साथ में खड़ी है ये सर पैशन प्रो है, ये 2010 मॉडल है ये। 2010 मॉडल। और इसकी क्या डिमांड होगी? प्रो दे देंगे लास्ट 15,000 की। गाइस लास्ट 15,000। और कितनी चली हुई है ये सर? 22,000 किलोमीटर चली हुई है। गाइस 15,000 में तो बाइक भी मिल रही है, और क्या चाहिए? नहीं 19,200 चली हुई है। 19,200 चली हुई है गाइस। 15,000 डिमांड है, फर्दर नेगोशिएबल है थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही मत कराना। पल्सर 135 है ये। 135 और इसका दिखाओ गाइस, ये दो सब पे टैग लग रहे हैं। 2012 मॉडल है, जो इसकी डिमांड है 17,000 रुपये। 17,000 रुपये इसकी डिमांड। हाँ 21,400 किलोमीटर, 21,400 चली हुई है ये। और ये 12 मॉडल है। 12 मॉडल है। उसके जो साथ में खड़ी है ये सर डिस्कवर 2012 मॉडल। और इसकी क्या डिमांड होगी सर? 20,000 में डिमांड है इसकी। और इसकी कितनी चली हुई? ये चली हुई है जी 21,000 करीब चली हुई है। 21,000 चली स्टार्ट है। 125 ST है ये। अच्छा तो गाइस यही सारी बाइक्स थी जो अभी हमने आपको दिखा दी। बाकी अब अंदर चलते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। बाकी गाइस एक बात कहना चाहता था कि जो अब मैं बताता हूँ कि प्राइजेस नेगोशिएबल हैं, प्राइजेस नेगोशिएबल होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि 15,000 की बाइक 10,000 की हो जाएगी। 1,000, 1,500, 500 इतनी ही गुंजाइश होती है भैया, इतना ही नेगोशिएबल होता है। हाँ पर ये मेरी जो इंजन की वारंटी है स्मोक की, इंजन ऑयल की, इंजन आपको सब स्कूटियों में नए मिले जितनी भी खड़ी है। ये सब चीज़ें आपको सर्विस भी मिलेगी, हफ्ते भर में कोई भी दिक्कत आती है इंजन के अंदर फिर ये आपको ठीक करके दूंगा, आपसे एक पैसा नहीं लूँगा। और एक हफ्ते के अंदर बेचनी है अपनी स्कूटी, बेचनी किसी को भाई साहब बेचनी है, KTM बेचनी है, अभी थोड़े दिन बाद आपको मैं KTM भी दिखाऊंगा, CBR भी दिखाऊंगा, हर चीज़ आएगी। आपको बेचनी है शुरू, आपको बेचनी है, हम मार्केट से आपको 1,000 रुपये फालतू देंगे, ये चैलेंज है। और बोलो क्या चाहिए, मतलब आपको सुपर बाइक भी बेचनी है उसमें भी डीलिंग होगी। हाँ आपके पास बाइक है आपको बेचनी है, शेखर बाइक पॉइंट पे विजिट करें अपनी बाइक। फोन नंबर आपको मिल जा रहा है, फोन सुबह 10 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक फोन करना जी कभी भी। और बाइक डिस्क्रिप्शन के अंदर हर चीज़ अवेलेबल है। बाकी गाइस अब मैं आपको एक बाइक की आवाज़ सुनाता हूँ, आप गेस करना है कि वो बाइक कौन सी है, कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। तो गाइज होप करता हूँ आपको जो मैंने भी बाइक की आवाज़ सुनाई काफ़ी पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये बाइक पता चली कौन सी है, या एग्जॉस्ट देख के, एग्जॉस्ट नोट देख के, मतलब जो बैक फायरिंग हो रही थी उससे आप गैस करोगे, मतलब पावर कितनी होगी बाइक में उस हिसाब से आप गैस करोगे कौन सी बाइक है। बाकी मैं होप करता हूँ आपको सारी बाइक्स के प्राइस पसंद आए होंगे। सो गाइज अब हमारे साथ वीडियो में ओम राठौर जी भी हैं, जो मतलब यहाँ पे दुकान पे संभालते हैं, चीज़ें काफ़ी संभालते हैं। आप शॉप पे आओगे तो आपको यही दोनों मिलेंगे, आपको शॉप पे एक हर्ष भाई मिलेंगे और एक भैया मिलेंगे, ये आपके मतलब क्या लगते हैं? ये मेरे दादा है, दादाजी लगते हैं। और बाकी गाइस एक बार अपना शॉप का कार्ड वार्ड कुछ हो, हाँ कार्ड है तो कार्ड में दिखा दें जी, ये देख सकते हो आप, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। ये जो ऊपर नंबर है ये आपका, हाँ जी हाँ जी, ये जो नंबर जब भी आप इसे करोगे फोन व्हाट्सएप पे आपको 1 से 2 घंटे में रिप्लाई मिल जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिया तो आप उस हिसाब से आ सकते हो। बाकी गाइस आप मेरे को वीडियो में कमेंट बॉक्स में बताओ कि यहाँ पे आपके पास CBR और KTM VTM की, जैसे आप KTM मिल जाएगी, CBR मिल जाएगी, आपको सारी बाइकें मिल जाएगी, हर चीज़ मिल जाएगी, डिमांड करो वो चीज़ मिलेगी। गाइस आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और भाई सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब चैनल को, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको सबसे अच्छा प्राइस कौन सी बाइक का लगा और आपको वीडियो पसंद आई या नहीं। अब स्कूटी लेनी है तो जल्दी से आ जाओ शेखर बाइक पॉइंट पे, क्योंकि यार कब स्टॉक चला जाए कुछ पता नहीं, आप कल लेने और वो बाइक ही ना हो, क्योंकि यार बिकते टाइम नहीं लगता। भाई गाइस जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड। This is Mysteryboy Vlogs with Harsh Bhai. We are signing off for today. Till then, bye.